नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर से म्यूजिक गैंगवे में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकार, ठीक है। और साथ ही इसमें एक टॉपिक और जानेंगे, संगीत के प्रमुख संगीत सम्मेलन, ठीक है, यानी प्रमुख संगीत सम्मेलन और वो किस स्थान से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे वो संगीत समारोह होता है, ठीक है। तो दो टॉपिक इसमें हम लोग देखेंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। संगीत से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है और अगर संगीत के बारे में जानना चाहते हैं, अगर नए स्टूडेंट हैं अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और भी कई प्रदेशों में भर्तियां आ रही है, ठीक है, तो इसका भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते रहते हैं sarkaridigital.com पे, आप लोग सर्च करते रहिए, देखते रहिए कौन सी भर्ती आ रही है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं ये ग्रंथ और रचनाकार, ठीक है, इसका PDF आपको म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं तो आप लोग म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम को सब्सक्राइब करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आपके पास है नहीं है तो टेलीग्राम लोड करके वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF पड़े हुए हैं और जो भी पढ़ाता हूँ उसका PDF वहाँ पे जाता है, ठीक है। तो आप लोग म्यूजिक गैंगवे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले संगीत में ग्रंथ का नाम आता है नाट्यशास्त्र, जो बेहद ही प्रसिद्ध है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? महर्षि भरत, ठीक है। कौन है? महर्षि भरत, ठीक है, ये भरत जी हैं, ठीक है। यहाँ पे संगीत रत्नाकर के जो रचनाकार हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? सारंगदेव, ठीक है। तो ये संगीत रत्नाकर जो है सारंगदेव द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा जो संगीत की किताब है, जो संगीत ग्रंथ है, वो है संगीत मकरंद, जो कि नारद जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। भरत भाष्य, भरत भाष्य किसने लिखा है? नान्यदेव ने, ठीक है। यहाँ पे संगीत राज पांचवा है आपका, संगीत राज, जो कि महाराज कुंभा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ एक आता है बृहदेशी, जिसमें ग्राम रागों की सबसे पहले व्याख्या की गई थी और बृहदेशी के बारे में हमेशा पूछता है तो इसको याद रखिएगा, ये मतंग मुनि द्वारा रचित ग्रंथ है बृहदेशी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये है आपका सुधाकर, ठीक है, ये संगीत रत्नाकर पर टिक्का है। सी भोपाल के द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा? सी भोपाल के द्वारा, ठीक है। दतिलम, दतिलम एक ग्रंथ है, ठीक है, जो दतिल मुनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हृदय कौतूहल, कौतुक तथा हृदय प्रकाश, ठीक है, ये राजा हृदय नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। स्वरमेल कलानिध जो रामामात्य ने लिखा है, ठीक है, किसने लिखा है? रामामात्य ने। यहाँ पे आता है आपका राग तत्व विबोध, राग तत्व विबोध किसने लिखा है? पंडित श्री निवास ने लिखा है। और यहाँ पे राग विबोध की बात आती है तो पंडित सोमनाथ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ राग तत्व विबोध पंडित श्रीनिवास और राग विबोध पंडित सोमनाथ ने लिखा है। अगला टॉपिक देखते हैं, यहाँ पे है संगीत पारिजात, ठीक है, जो बेहद ही प्रसिद्ध ग्रंथ है संगीत पारिजात, पंडित अहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। राग तरंगड़ी, इसके बारे में भी हमेशा पूछता है, राग तरंगड़ी क्या है? इनके जो लेखक हैं वो है लोचन, ठीक है, पंडित लोचन। सद राग चंद्रोदय रागमाला, ठीक है,
इसके जो रचनाकार है वो है श्री पुंडरीक। ठीक है, यहाँ पे चतुर्दंड प्रकाशिका, ये भी बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत का, इसमें पंडित व्यंग्यमुखी ने व्याख्या किया है, तो ये पंडित व्यंग्यमुखी द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, रस कौमुदी भी पूछता है, रस कौमुदी किसकी रचना है, तो ये श्री कंठ के द्वारा लिखी गई। यहाँ पे संगीत सारामृत तुलाजी राव भोसले के द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अभिनव राग मंजरी, ये भी हमेशा पूछता है, अभिनव राग मंजरी ये भातखंडे जी द्वारा लिखा गया है, पंडित भातखंडे जी द्वारा। यहाँ पे प्रणव भारती, जो कि प्रणव रंग के नाम से जाने जाते हैं, ये भी पूछ देता है, तो प्रणव भारती जो है ये है ओंकारनाथ ठाकुर का। ठीक है, यहाँ पे देखिए भरत का संगीत सिद्धांत आचार्य बृहस्पति ने लिखा है इस ग्रंथ को। गीत गोविंद, ये भी हमेशा पूछता है, गीत गोविंद किनकी रचना है, जयदेव की। ठीक है, जयदेव की। मान कौतूहल भी पूछ देता है, मान कौतूहल किनकी रचना है, ये है राजा मानसिंह तोमर की। ठीक है, अभिनव भारती, अभिनव भारती जो है ये है अभिनव गुप्त की। ठीक है, ये है अभिनव गुप्त की। आगे देखते हैं, यहाँ पे राग विज्ञान और भारतीय संगीतवाद, ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो राग विज्ञान जो है पंडित बी एन पटवर्धन के द्वारा रचित है, और भारतीय संगीत वाद्य के रचनाकार पंडित लाड़मणि मिश्र को मानते हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं और ग्रंथकार हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैंने इसमें बताने का कोशिश किया है। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गए ग्रंथ और रचनाकार, आगे देखते हैं यहाँ पे प्रमुख संगीत सम्मेलन। ठीक है, और उनके स्थान जहां से वो जुड़े हुए हैं या जहां पे वो संगीत समारोह या सम्मेलन होते हैं। ठीक है, तो पहले आता है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, जो कहाँ पे होता है, वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, जो कि जालंधर से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे तान से संगीत समारोह, ये भी कई बार पूछ दिया था, तो ये जो समारोह है ये ग्वालियर में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जहाँ पे ये कहाँ पे मनाता है, मैहर पे। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां जो मैहर घराने के संस्थापक रहे हैं। देखिए ये तानसेन संगीत समारोह, तानसेन का जो है बना हुआ है मकबरा, और स्वामी हरिदास जी का है, गौस जी का है, ग्वालियर में। जब मैं ग्वालियर गया था तो मैं सोचा कि चलिए देखते हैं संगीत से जुड़े तानसेन जी का जो स्थल है कहाँ पे है, तो वहाँ मैं गया था तो बताया जाता है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पे एक इमली का पेड़ था और वो इमली खाकर गला बनाते थे और उससे गाते थे, तो अच्छा आवाज उनका बना था। और मैं गया तो वहाँ सचमुच एक इमली का पेड़ था, वो पुराना होगा जैसे भी है, इमली का पेड़ था वहाँ पे, दो चार लड़के थे, इमली बहुत कम ही थी, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा इमली खाते हैं ताकि थोड़ा सा गले में सुधार आ जाए, तो बच्चों ने एक दो इमली मार कर मुझे भी दिया, बहुत कम इमली थी, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, मैं जब ग्वालियर गया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने भी इमली खाई, अब पता नहीं कंठ में सुधार हुआ नहीं हुआ, होगा नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होती है, कंठ की सुधार जो हारमोनियम तानपुरे वगैरह पे आप लोग अगर गायक हैं तो ये सब रियाज की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है, गाते गाते सुर ताल में अगर रहते हैं, अच्छे गुरु के संपर्क में रहते हैं, या फिर गाना सुनना है, गुड लिसनर कैन बी ए गुड स्पीकर, यानी कि एक अच्छा श्रोता ही वक्ता बनता है, गाने को ताल को सुर को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, जितनी अच्छी तरह से जितनी बार सुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही अगर प्रैक्टिस करते हैं 2 घंटे डेली सुबह या शाम में, एक संगीतज्ञ को प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। ठीक है, मैं तो थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, लेकिन जल्द ही एग्जाम के बाद से, आप लोगों की एग्जाम के बाद से फिर हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, कैसे हारमोनियम सीखा जाता है, कैसे बजाते हैं, कैसे राग गाने, ये सारी चीज़ें
हमें भी प्रैक्टिस करनी है। और एक संगीतज्ञ जीवन होल लाइफ प्रैक्टिस करता है, गाता है, सीखता है, ठीक है, सभी को सीखना ही है जीवन पर्यंत। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आधे घंटे एक घंटे डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, ताकि गले में मुर्की हरकत, तान खटका, ये सवेरे गमक, ये सारी चीज़ें, वॉइस में मधुरता, ये सारी चीज़ें आती रहे अगर एक गायक हैं तो, ठीक है, बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो ये ग्वालियर से संबंधित एक छोटी सी घटना मैंने बताया, ठीक है। चलिए, यहाँ पे श्री बाबा बिहारी संगीत समारोह जो कि सिरसा में होता है, ठीक है। चलिए, बैजू बाबरा संगीत समारोह, बैजू बाबरा संगीत समारोह जो कि उज्जैन में होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है, उज्जैन से संबंधित है ये। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे है रविंद्र नाथ ठाकुर समारोह, सॉरी पहले बसंत दरबार, बसंत दरबार जो कि पटियाला में होता है, ठीक है, बसंत दरबार पटियाला में लगता है। यहाँ पे रविंद्रनाथ ठाकुर संगीत समारोह जो कि कलकत्ता में होता है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल कोलकाता से संबंधित है। यहाँ पे पंडित लाल मणि मिश्र संगीत समारोह जो है ये भी पूछ देता है, ये भोपाल से संबंधित है, ठीक है, भोपाल स्थान से। यहाँ पे गरीब नवाज संगीत सम्मेलन जो कि अजमेर, अजमेर से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे स्वामी भगवान दास संगीत समारोह कहाँ होता है, तो ये अयोध्या में होता है, ठीक है। आचार्य बृहस्पति संगीत समारोह सम्मेलन कहाँ होता है, तो ये मुंबई में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया तानसेन और त्यागराज संगीत समारोह, ठीक है, दो लोगों का नाम आ गया, तानसेन और त्यागराज संगीत समारोह कहाँ होता है, तो ये लखनऊ में होता है। गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये पुणे से जुड़ा हुआ है। पंडित भातखंडे पुण्यतिथि समारोह कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, तो ये नागपुर में मनाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे ध्रुपद मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो ये वाराणसी में होता है ध्रुपद मेला का आयोजन। उसके बाद मल्हार उत्सव, मल्हार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। होली संगीत सम्मेलन कहाँ होता है, ये जोधपुर में होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, दशहरा संगीत समारोह कहाँ होता है, तो ये मधेपुर में होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रभात राग उत्सव जो कि दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इस शॉर्ट वीडियो में दो महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे महोत्सव हैं, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको मैंने कवर किया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सारी चीजें आप लोगों को म्यूजिक गेंगवे टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम लोड करके, या टेलीग्राम है तो, और वहां से आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वहां पर पीडीएफ मिलता है। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर लेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक में देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चीजें आती है। आप लोग अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, रियाज जारी रखिए, स्लो बट रेगुलर, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, देखते रहिए, ठीक है, अपने सेल्फ स्टडी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और कंपटीशन ज्यादा तो है ही, लेकिन अगर आप चाह दे अपनी मेहनत के बदौलत तो कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।